Hello students, today we are going to start math subject of class 6. If you are watching this video, you have to open your book and listen to me carefully. So let's continue. So dear students, as you know that we have completed exercise number 7.1 in my previous video, and today we are going to start exercise number 7.2. So students, let's start. In which question number 1 is represent the following on the number line. यानी हमें निम्नलिखित को number line पर represent करना है. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसका फर्स्ट हमें दिया 5 प्लस ब्रैकेट माइनस 3. तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी नोटबुक में राइट कर रखा है. और बच्चों, अगर हम 5 प्लस माइनस 3 को अंडर लाइन पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है. तो बच्चों, यहाँ पर पहले मुझे 5 लेना है. तो 5 कहाँ पर ले लूँ मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ. यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ माइनस 1, यहाँ माइनस 2, यहाँ माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं. तो 3, 4 और 5 और 6 भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना बच्चों, ठीक है. यहाँ ले लेता हूँ मैं -1, यहाँ ले लेता हूँ -2, ठीक. अब बच्चों, हमें क्या करना है कि 5 में क्या करना होगा, -3 को ऐड करना होगा. तो बच्चों, -3 मतलब क्या हो गया, कम हो रहे हैं ना, 3 के आगे माइनस, मतलब 5 में से 3 कम करने हैं. तो 5 यहाँ पर है, हम 3 कम करेंगे. तो 1, 2, 3 इधर को कम करते हैं तो हम पहुंचेंगे 2 पर. कहां पर पहुंचेंगे, 2 पर. तो बच्चों, यहां पर आ जाएगा हम 2 पर. तो बस ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, -8 + 4. अब बच्चों, यहां पर क्या है कि -8 में 4 को ऐड करना है, ठीक है, यानी 4 को, 4 इसमें बढ़ रहे हैं. तो यहां पर कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन बना लीजिए. तो नंबर लाइन में बना लेता हूं. तो बच्चों, हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर -8 लेना होगा. यहाँ पर ले लेते हैं -7, यहाँ पर ले लेते हैं -6, यहाँ पर ले लेते हैं -5, यहाँ पर ले लेते हैं -4, यहाँ पर ले लेते हैं -3, यहाँ पर -2, यहाँ -1, यहाँ 0 ले लेते हैं. अब 8 में 4 ऐड करना है, तो ऐड इधर को ही तो होते हैं बच्चों, इधर को तो बढ़ते हैं. तो हम यहाँ करेंगे 8 से 4 स्टेप इधर को चलेंगे, राइट हैंड साइड को. तो 1 स्टेप 2 3 और 4, तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे. तो -8 में 4 को ऐड करने पर क्या आएगा, -4 आएगा. तो ये रिप्रेजेंट हो गया. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है इसका बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 है -3 + -4, ठीक है. तो नंबर 9 ले लेते हैं हम. अब बच्चों, हमें क्या करना होगा, -3 में -4 को ऐड करना होगा. तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. अब बच्चों, यहाँ पर देखो, -3 में -4 को ऐड करना है, मतलब माइनस का 4 है तो कम होंगे. तो -3 कहाँ पर है, यहाँ पर. तो हम -4 इधर को जाएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 स्टेप बढ़ेंगे. तो चलिए चलते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो हम कहाँ पहुंचेंगे, -7 पर. तो हमने इस तरह से नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 6 + -7. तो नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन सभी बनाएंगे बच्चों. यहाँ पर क्या होना है कि 6 में से 7 को क्या करना है, यानी 7 के आगे माइनस, तो ये कम होगा, ठीक है. तो 6 में 7 कम करने हैं. तो यहाँ बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ मैं ले लेता हूँ 6 और यहाँ लेता हूँ मैं 5, यहाँ लेता हूँ 4, यहाँ लेता हूँ 3 और यहाँ लेता हूँ 2, यहाँ लेता हूँ 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2. अब 6 यहाँ पर है बच्चों, तो 7 कम करने, तो 7 स्टेप इधर को जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, -1 पर, ठीक है. तो ये रिप्रेजेंट हो गया है. आगे बच्चों, हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, -1 + -2 + 3. अब इसे कैसे करेंगे, देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे. तो बच्चों, हमें पहले -1 में -2 ऐड करना है, यानी -2 ऐड करने का मतलब क्या है कि -1 में से -2 यानी 2 कम होंगे. उसके बाद फिर जो आज यहाँ पर हम पहुंचेंगे, वहां से हम जो है 3 ऐड करेंगे. तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम करेंगे पहले, मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं 0, -1, -2, -3, -4, -5. यहाँ लेता हूँ 1, 2, 3. अब बच्चों, क्या होगा कि -1 में से 2 कम हो रहे हैं. तो -1 जब कम होंगे तो इधर को चलेंगे.
तो वन स्टेप और टू स्टेप यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उसने क्या कहा, फिर क्या हो रहा है कि थ्री ऐड हो रहे हैं, तो थ्री ऐड कर दो तो राइट हैंड साइड चलेंगे, तो चलें भाई वन टू थ्री जीरो पर तो पहुंचेंगे, फिर उसके बाद तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे जीरो पर। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पर। ठीक है, पहले यहां गए फिर यहां से यहां आ गए। उसके बाद बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है -3 + 8 - 3 + 8 + -7। ठीक है, अब नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं। अब बच्चों ये कह रहा है कि पहले -3 में 8 ऐड किए गए, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 कम हो गए उसमें से, तो यहां पर -3 कहां होगा भाई, -3 में यहां लिख लेता हूं -3, उसके बाद -2 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, 7 में ले लेता हूं। तो बच्चों क्या होगा, -3 में 8 ऐड किए गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर पहुंचेंगे 5 पर। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, फिर 7 कम हो रहे हैं, तो 7 कम होंगे तो इधर को चलेंगे ना, तो देखो 1 step 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर पहुंचेंगे हम -2 पर, तो मैं यहां से आता हूं डायरेक्ट -2 पर। तो इस तरह से हमें यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, क्या आएगा, -2। ठीक, तो चलिए बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया इस एक्सरसाइज का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ, यानी हमें इनका सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम। सम कैसे फाइंड होता है तो देख लेंगे बच्चों। तो यहां पर बच्चों टू का फर्स्ट हमें दिया है स्टूडेंट -2 4 5 and 1 8 8। तो बच्चों हम क्या करेंगे, -2 4 5 में सम कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे 188। अब बच्चों यहाँ क्या होता है देखिए, अब यहाँ -245 जो क्या है, ग्रेटर है किससे, अगर हम वैसे देखें अगर माइनस नहीं होता तो ग्रेटर तो है। तो बच्चों क्या हो रहा है कि माइनस लगा हुआ है, तो बच्चों ये क्या होता है, जिसके आगे माइनस का साइन होता है वह सब्ट्रैक्ट होती है किसमें, पॉजिटिव नंबर में। तो यहाँ पर 245 विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 188। ठीक है, तो हम इसमें से इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन आंसर आएगा हमारा माइनस में। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो हमें राइट करना है माइनस में आना है आंसर। तो 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो 15 ले लो, तो यहाँ 15 में से 8 गए कितने बचे 7, यहाँ बचा कितना 3, 13 हो गया। 13 में से 8 गए कितने बटे, तो 13 में से 8 गए तो बचे 5, और यहाँ क्या बचा 1, 1 में से कुछ नहीं। तो बच्चों अगर -245 यानी 188 में से 245 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 57 आएगा। ठीक है, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, अगर कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या में से सब्ट्रैक्ट होगी तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, लेकिन अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या में सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है -422 and -60। तो बच्चों ये क्या है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस वाले ऐड होते हैं और माइनस में ही आते हैं। जैसे बच्चे हम पॉजिटिव पॉजिटिव को, यानी पॉजिटिव नंबर हमारे पास दिया गया है, अगर हम उनको क्या करेंगे तो उनको हम ऐड करेंगे और ऐड में उसको प्लस में ही लिखते हैं, तो ऐसे ही नेगेटिव नंबर भी ऐड होते हैं और नेगेटिव में ही लिखे जाते हैं। तो यहां पर अगर हम इनको ऐड करेंगे -422 + -60 इस तरह से ऐड करके लिखेंगे तो -422 + -, होएगा तो ये तो माइनस माइनस के हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं लेकिन माइनस में आते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों ऐड करने पर, दोनों को ऐड कर दो इनको तो 284 यानी 482 आएगा। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 6 2 4 6 2 and -3 8 6। तो इनको ऐड कर लेते हैं बच्चों 2 4 6 2 + ये माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -2 4 6 2 + -, होते हैं 3 8 6। अब बच्चों क्या हो रहा है, ये माइनस होगा इसमें से, ठीक है ना, तो बच्चों ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, तो जो बड़ी में छोटी माइनस होती है तो प्लस में आती है, तो प्लस में राइट करेंगे तो बच्चों 12 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 6 बचेंगे, यहाँ का बच्चा 5 तो 15 हो गया, 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 जाएंगे हमारे कितने बचेंगे 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 7 राइट करेंगे।
उसके बाद यहाँ बच्चों क्या है, थ्री है, थ्री में से थ्री गया जीरो, और यहाँ क्या हो गया बच्चों, यहाँ हो गया हमारा यहाँ तो हमारा हमने कैरी कर लिया, सॉरी यहाँ टू का टू ही रहेगा, तो 2076 आंसर क्या आएगा, 2076। तो बच्चों आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। इसका क्वेश्चन नंबर फोर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर है -10574 एंड 158, तो ऐड करेंगे तो -10574 प्लस 158, तो बच्चों क्या हो रहा है कि बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो ये सबट्रैक्ट होगा किसमें से, 158 में से, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो सबट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएंगे तो 14 हो गया, 14 में से 8 गया कितने बचे 6, यहाँ बचा 6 में से 5 गया बचा 1, यहाँ 5 में से गया 1 तो बचे 4 और 0 1, तो बच्चों हमारा आंसर आएगा -10416 यानी 10416। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम करते हैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आपको अपने आप ही करने हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, 2432 एंड -2432, तो बच्चों हमें 2432 को ऐड करना है किसमें, -2432 में, तो ऐड करते हैं 2432 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2432 है बच्चों, देखो दोनों संख्याएं कैसी हैं, सेम हो रही हैं, तो बच्चों ये सब्ट्रैक्ट होगी इसमें, तो बच्चों जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा जीरो। ठीक है, तो मैं बच्चों इस क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ बच्चे, 2 क्वेश्चन तो वो आपको अपने आप ही करने हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।